तो दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे डीडी फ्री डिश में कोई भी चैनल है उसे आपको डिलीट करना है, ठीक है ना। इस वीडियो में बताएंगे चैनल पर पहली बार आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पे हम सीखेंगे कोई भी चैनल जो है उसे डिलीट करने के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिमोट का जो बटन है यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको पहले मेन्यू पर टैप कर ले जाना है। देखिए यहाँ पर मेन्यू बटन होगा, मैं दिखा देता हूँ, वीडियो पर बने रहें क्योंकि देखिए ये मेन्यू है, तो आपका इस रिमोट कंट्रोल में मेन्यू बटन होगा, ठीक है ना। देखिए तो आपको मेन्यू एक बार दबा देना है, और दबाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह इंटरफेस पर आएगा। देखिए यहाँ टीवी चैनल लिस्ट आएगा, और टीवी चैनल लिस्ट आएगा, रेडियो चैनल लिस्ट आएगा, प्रोग्राम सेटअप आएगा, और एडिट प्रोग्राम आएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, जो रिमोट का नीचे वाला जो बटन है ये देख सकते हैं, इसको दबा के आपको एडिट प्रोग्राम पे ले आना है, ठीक ना। तो देखिए मैं दबा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह आपको यहाँ पे एडिट प्रोग्राम पे ले आना है। वहाँ पे आने के बाद आपको ये जो रिमोट का जो ओके बटन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओके बटन को दबा देना है, तो इसे हम दबा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि डिलीट ऑन प्रोग्राम, मतलब इसमें जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ जो कॉलम है देख सकते हैं, ऊपर लाइन जो है वो डिलीट ऑन प्रोग्राम, मतलब आपको एक एक चैनल आप डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद डिलीट ऑल प्रोग्राम, मतलब जो डिलीट ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ उस पर अगर जाकर ले आएंगे तो पूरे प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको कोई भी चैनल को एक चैनल दो चैनल जो भी चैनल है उसे डिलीट करना है वन बाय वन, तो उससे उस पर हम ओके करेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो है वहाँ पर देखिए पीला रंग का लकीर है, इस तरह आपका भी आएगा, ठीक ना। हो सकता है अलग कलर का हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर सिग्नल आएगा इस तरह कलर किया हुआ, तो आपको इसको ओके जो बटन है माउस सॉरी रिमोट का, तो इस पर दबा देना है, तो इस तरह आ गया। उसके बाद देखिए जो चैनल को आपको डिलीट करना है तो उस चैनल पे आपको यहाँ पे ले जाना है। तो कैसे ले आएंगे, देखिए ये जो है ऊपर नीचे करने का, तो आपको ऊपर में चैनल वो लिस्ट है या फिर नीचे में, जिसको हम दबा के मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चैनल है डी डी यू पी, तो इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे डिलीट करते हैं, वीडियो पर बने रहें, तो उस पर ले आएंगे। देखिए इससे ये जो बटन है रिमोट का नीचे वाला, इसको वहाँ पे ले आते हैं। देखिए ले आए, वहाँ पे ले आए। अब क्या करना है, ये जो ओके बटन है इसको दबा देना है, ठीक ना। ये जो ओके बटन है इसको उसी चैनल पे हिला के इसको ओके कर देंगे, ये हो गया, ठीक ना। तो देखिए उस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो है फिर से हम ओके बटन दबाएंगे, देखिए देखिए वो डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह जो भी चैनल को आपको डिलीट करना है, इससे एक और है डी डी एम पी, तो उस पर ले आएंगे इस माउस जो रिमोट का नीचे वाला स्विच है, देखिए ले आए। उसके बाद क्या करेंगे, ओके जो बटन है इसको हम दबा देंगे, आ गया वहाँ पर गलत निशान। अब फिर से जो इसका जो ओके है फिर से इसको ओके दबा देंगे, देखिए वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह हम कोई भी चैनल को फ्री डिश में डिलीट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना थोड़ा डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बार आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।